देखिए, गाना पसंद किया जा रहा है और अभी तो नियर अबाउट 4 मिलियन के आसपास हो रहा है व्यूज़, एंड बहुत ही अच्छा लग रहा है कि एक फर्स्ट टाइम एक अमेरिकन एक्सेंट में इंग्लिश गाना ट्राई किया, थोड़ा सा हिंदी के साथ इंग्लिश, एंड लोगों ने उसका तारीफ कर रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप कुछ बताना चाहोगे? I want to first of all thank all the people who have enjoyed the song so far. If you haven't, please go out, check it. Thank you so much for all your love. And it was just an amazing collaboration with my younger sister Annabelle and dad, of course, being a part of it. We had so much fun recording the song, filming the music video of it. So yeah, overall a very fun experience. Yeah. मैं बिल्कुल enjoy नहीं किया था, बाद में गाना जब सुना तब मैं enjoy किया गाने को, क्योंकि मेरा टेंशन जो था वो अमेरिकन एक्सेंट को लेके, एंड एक्चुअली इंग्लिश इससे पहले भी गाया, लेकिन इंग्लिश गाने से इसे नहीं होता है, वो साथ में थोड़ा सा एक्सेंट भी होना चाहिए, क्योंकि ये लोग एक्सेंट के साथ गा रहे हैं तो हमें भी एक्सेंट का ख्याल रखना पड़ेगा। तो हिंदी तो चलो गा लेंगे, कोई बात नहीं, और गा भी लिया मैंने, तो अल्टीमेट रिजल्ट जो देख रहा हूँ कि लोगों का प्यार जो भर भर के आ रहा है, and that is amazing really. कोई गाना इतना जल्दी इतना पॉपुलर हो सकता है, ऐसा आइडिया नहीं था। अभी हाल ही में हमने एक गाना रीमेक किया, सारेगामा से रिलीज हुआ वो गाना, तुझे देखा तो ये जाना सनम, एंड वो मैंने गाया दोबारा एंड रीमेक किया। आई लाइक टू डू दैट एंड आई थिंक उसमें जो हमारे इंडस्ट्री है ना उसको भी फायदा होगा, क्योंकि अभी के जो गाने हैं उसके ऊपर भारी पड़ता है ना पुराना गाना, तो पुराना गाना लेके अगर कोई खेलेगा तो आई थिंक उसको फायदा होगा ही होगा किसी भी हालत पे। तो यस, आई लाइक टू डू दैट, अच्छा लगता है। नहीं, डेफिनेटली अच्छा लगता है, उस समय लगता है कि हाँ मैंने कुछ किया लाइफ में, और क्या बता सकता हूँ। नहीं, इनका इनके लिए तो मैं प्राउड फील करता हूँ, क्योंकि ये लोगों ने जो कुछ भी किया अपना बलबूते पे किया, ना तो ना मेरा नाम यूज़ किया ना कुछ भी, बट जो कुछ भी किया ये आज इनका कोई भी एक इंग्लिश गाना आप उठा लेंगे देखेंगे उसमें आपको 40 मिलियन व्यूज़ है, 30 मिलियन व्यूज़ है, तो ये नॉट ए जोक। एक अमेरिका जैसा जगह पे जाके और अपना एक पोजीशन बनाना विदाउट टेकिंग माय नेम और वट एवर इट इज़, तो मैंने खाली इन लोगों को बस खाली एक ही हौसला दिया कि भाई तुम्हारा बाकी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो मैं हूँ, तुम्हारा कंसंट्रेट करो अपना करियर पे और गाने पे और एक्टिंग पे जो भी है। तो लोगों ने आई फील प्राउड फॉर दैट कि भाई ये लोगों ने जो कुछ भी आज किया ये आपने बलबूते पे किया। शी विल डू गुड बिकॉज इनके गाने सुन के यहाँ के जो प्रोड्यूसर्स है, म्यूजिक प्रोड्यूसर्स है, दे आर वेरी हैप्पी, मतलब समथिंग न्यू काइंड ऑफ वॉइस, तो आई थिंक इनका स्कोप बहुत है, होप भी बहुत है और चांस भी बहुत है, क्योंकि जितने लोग सुन रहे हैं उसको ऑलमोस्ट ही काफ़ी गाने गा दिया है यहाँ पे हिंदी, सब रिलीज होगा आहिस्ता। सो दिज आर गुड थिंग फॉर एन आर्टिस्ट, दिस इज आई थिंक वेरी गुड थिंग। सो वी होप, और उम्मीद, हम उम्मीद नहीं छोड़ते, उम्मीद पे दुनिया कायम है, हम भी कायम है। I would love to say thank you so much for giving your love to me and my music so far. I just hope that you continue to give love just as you have been giving so far. And I have some amazing songs coming up for you guys. So stay tuned and enjoy our latest song, 9 to 5. It's available on all streaming platforms and it's on YouTube as well. Check out the music video. I'm sure you're gonna love it. मैं ये कहूँगा कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ वो आपके सामने है, एंड आप जिस तरह से प्यार दिया उस तरह से प्यार देते रहिए, एंड डेफिनेटली हमने हमारा 90s के गाने के लिए स्पेशली हमने हमारा यूट्यूब चैनल भी खोल दिया, द कुमार सानू ऑफिशियल, उसमें आपको हर हफ्ता 10 दिन में एक न्यू सॉन्ग आपको मिलेगा जिसका गुड लिरिक्स होगा एंड 90s मेलोडी होगा, एंड डेफिनेटली विल लाइक इट। तो बस प्यार देते रहिए, हम कहीं नहीं गया, हम है आपके साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।